वेलकम बैक गाइस, आज की नई वीडियो में आप सबका स्वागत। तो चलिए शुरू करते हैं आज की नई वीडियो। आज की नई वीडियो के अंदर हम लोग बोलने वाले हैं टॉप 5 हेडशॉट ट्रिक। पांच नंबर के लिए बिल्कुल वेट करना सभी लोग। पांच नंबर किसी भी यूट्यूबर ने आपको बताया नहीं होगा, वो मैं बताऊंगा। तो चलो वीडियो करते स्टार्ट, ज्यादा बातचीत न करते। सबसे पहले जो एक नंबर पर आता है वो है टॉप सेंसिटिविटी। देखो भाई, ज़्यादातर यूट्यूबर आप लोग को बोलेंगे कि यार इसको 98 रख लो, इसको 99 रख लो, इसको यार 100 कर दो, ऐसा वैसा बोलते रहेंगे हर एक यूट्यूबर। लेकिन मेरी सलाह लोगे तो भाई बोलना चाहूँगा मैं सभी को, पकड़ के भाई 100 कर दो, किसी को भी सालो एकदम कम मत करना। क्योंकि यार पीसी में जो लोग खेलते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी की जरूरत पड़ती है, तभी वो लोग हेडशॉट मार पाते हैं। अगर आप मोबाइल में खेल रहे हो 2 GB, 3 GB, 4 GB, 5 GB, 6 GB, किसी भी फ़ोन में खेल रहे हो, तो यार इसको पकड़ के 100 कर लो, उससे एक आपका बढ़िया हेडशॉट लगेगा। और एक बड़ी गलती आप इसके अंदर करते हो, क्या करते हो आपको बताएं, वो है डिस्प्ले के अंदर आप जो बड़ी गलती करते हो, ठीक है ना। वो डिस्प्ले के अंदर ये देखो हाई FPS, इसको आप हमेशा नॉर्मल रखते हो, इसी गलती के कारण आपका हेडशॉट रेट नहीं लगता, हेडशॉट रेट भी नहीं बढ़ेगा और हेडशॉट भी नहीं लगेगा। इसको हमेशा आपको हाई पे रखना है कैसे भी करके, ठीक है ना। स्मूथ में खेलो, स्टैंडर्ड में खेलो, हाई FPS खेलो, जब भी जिसे में भी खेलो, इसको आप लोग हाई FPS को हाई रखो, तभी आपका बढ़िया वाला हेडशॉट रेट लगेगा, ठीक है ना। तो चलिए यार बढ़ते दूसरे नंबर पर। दूसरे नंबर पर आता है भाई गन स्किन। बेस्ट गन स्किन चूज करने से पहले आपको जानना होगा गन स्किन के अंदर क्या क्या जरूरतें हैं हेडशॉट मारने के लिए। तो यार तीन पॉइंट आपको हमेशा याद रखने हैं यार, गन्स जब भी चूज करते हो उसमें डबल रेट ऑफ फायर, नहीं तो डबल एक्यूरेंसी, नहीं तो भाई डबल डैमेज, इन तीनों में से कोई भी एक होना चाहिए, इससे बहुत ही बढ़िया वाला हेडशॉट लगता है। ये तीन अगर किसी भी एक गन स्किन का अगर तुमको मिल जाए तो भाई तुम भाई हेडशॉट किंग बन जाओगे। लेकिन ये तीन तो नहीं मिलता ना, किसी भी एक भाई तुमको मिल जाएगा कोई भी। इसमें जैसे देखो यार डबल डैमेज है, इसमें है डबल रेट ऑफ फायर, वैसे यार तुमको यार मिल जाएगा, ठीक है ना। ऐसा देखिए यार गन स्किन तुमको चूज करना है। अगर डेजर्ट ईगल देखो तो मेरे पास यार डेजर्ट ईगल भी है, डबल एक्यूरेंसी वाला मैं यूज करता हूँ, जो यार उसमें भाई डबल एक्यूरेंसी है। देखो यार मैं दिखाता हूँ, कहा गया डेजर्ट ईगल, ये रहा, ये देखो डेजर्ट ईगल, देखो डबल एक्यूरेंसी, देख रहे हो ऐसे भाई, डबल डैमेज, डबल रेट ऑफ फायर, डबल एक्यूरेंसी, इनमें से किसी भी एक को चूज करना है। उसके बाद आता है तीन नंबर। तीन नंबर में हम लोग को क्या करना है, हम लोग को जो करना है वो है हेडशॉट मारने का तरीका। सही तरीका कौन सा है वो हम लोग को बताएंगे। तो चलिए तीन नंबर पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं फटाक से। तो पॉइंट नंबर 3 जो है वो है हेडशॉट मारने का सही तरीका। ज़्यादातर बंदे जो गलती करते हो आप लोग कि बंदा आपके सामने होता है लेकिन आप लोग हेडशॉट बिल्कुल भी ना नहीं मार पाते हो, इधर से बिल्कुल सही सिक्के जाते हो लेकिन उधर जाके आप लोग गलती करते हो। क्या गलती करते हो मैं बताता हूँ, जब भी आपको बंदे को देखते हो फटाक से एकदम सीधा ड्रैग कर देते हो, ये है आपकी गलती कि आप सीधा ड्रैग करते हो, समझे। जिसके कारण आप क्या बनते हो पता है, बॉडी किंग। ये देखो बंदा देखा डर के मारे एकदम सीधा ड्रैग, और उसके बाद बोलोगे नहीं यार एलेक्स भाई ने तो बोला था ड्रैग करने के लिए फिर भी हेडशॉट नहीं लगा, ऐसा करोगे तो थोड़ी ना हेडशॉट लगेगा, इससे आपका एक तो फॉल्स होगा नहीं तो बॉडी लगेगा, आप बॉडी किंग बनते जाओगे। तो सही तरीका क्या है वो सीखने के लिए यार आप लोग वीडियो करो एक लाइक और सब्सक्राइब, ठीक है ना। जब भी बंदे को देखो यार लॉन्ग रेंज या मिड रेंज में हमेशा बाई तरफ एम को रखो, और भाई रोटेशन ड्रैग करना है तुमको हमेशा, रोटेशन, ठीक है ना। कभी सीधा ड्रैग बिल्कुल भी मत करो, डेजर्ट ईगल से खेल रहे हो तो सीधा ड्रैग कभी मत करो, ठीक है ना। हमेशा तुमको क्या करना है, किसी भी गन से अगर मार रहे हो तो यार नीचे की तरफ से पकड़ना है, थोड़ा सा नीचे की तरफ से देखो, पूरा रोटेशन ड्रैग आपको करना है जब भी। ये देखो रोटेशन देख, देखा नीचे से खींच के मैंने मारा ना, ऐसे आपको मारना है, हर एक गोली बंदे के हेड पे ही जाएगी। तुम यार चेक कर सकते हो, अभी चेक करके आओ नहीं तो यार भूल जाओगे बाद में, ठीक है ना। नहीं 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 रुक जाओ रुक जाओ, और एक पॉइंट है, जो पॉइंट है भाई जॉयस्टिक। जॉयस्टिक को पकड़ के आप लोग हेडशॉट मारोगे तो कभी नहीं लगेगा, जॉयस्टिक को हमेशा आपको छोड़ना है ऐसे, उसके बाद आपको हेडशॉट मारना है, ठीक है ना। जब भी बंदे को मारो तब जॉयस्टिक बिल्कुल भी यूज़ मत करना, ठीक है ना। देखो देखो जैसे कि मैं अभी देखो जॉयस्टिक यूज़ कर रहा हूँ, बिल्कुल सही बंदा मेरे लॉन्ग मिड रेंज में अभी, ठीक है ना। मैं देखो जब भी देखो ड्रैग खींचूंगा तभी देखो मैं जॉयस्टिक छोड़ूंगा, देखो जॉयस्टिक छोड़ा उसके बाद मैंने ड्रैग खींचा, देखा ऐसे ही माना है तो आपका हर एक गोली बंदे के हेड पे ही जाएगा बिल्कुल, ठीक है ना। तो हम लोग बढ़ेंगे पॉइंट नंबर 4, जिसके कारण आपका हेडशॉट थोड़ा बहुत कभी कभी नहीं लगता, बहुत ड्रैग करते हो ये सब कुछ मारने के बाद भी हेडशॉट नहीं लगता, वो है पॉइंट नंबर 4, सेकेंड फायर टेक्निक। वो सीखने के लिए सबसे पहले कर लो सब्सक्राइब। 4 नंबर पॉइंट जिसको हम बोल रहे हैं सेकेंड फायर टेक्निक, मतलब एनिमी फायर करेगा उसके बाद मुझे फायर करना है, ना कि उससे पहले। देखो एनिमी पहले निकला उस टाइम पे मुझे फायर बिल्कुल भी नहीं करना है, वो फायर करेगा उसके बाद मुझको रोटेशन ट्रैक करना है और भाई हेड शॉट, ठीक है ना। कैसे किया देखो, जब हमेशा हमको करना क्या है, वो करना है भाई सेकेंड फायर, फर्स्ट फायर नहीं करना, फर्स्ट फायर एनिमी को करना है। देखो फर्स्ट फायर उसने किया उसका सेकेंड फायर मैंने, ठीक है ना। एक नंबर जो फायर होता है वो उसने किया उसके बाद मैंने, ना कि मैंने पहले। देखो कूद के वो निकला उसके बाद हेड मारेगा कैसे, देखो कूदा उसके बाद उसने देखो फर्स्ट फायर कर लिया, सेकेंड फायर में मैंने मारा। क्यों हेड शॉट क्यों लगता है इस सेकेंड फायर में, क्योंकि जब भी वो हमको गोली मारता है उसका हेड बिल्कुल मेरे सीधा हो जाता है। उस टाइम पे मैं अगर जैसे जैसे भी ड्रैग करूँ तो हेड पक्का लगेगा, 100 में 100% ड्रैग लगता है। ये देखो मैंने देखो मारा एकदम पक्का ड्रैग, ठीक है ना।
इसके बाद हम लोग बढ़ रहे हैं पॉइंट नंबर 5 की तरफ, जो भाई एकदम ओपी वाला, किसी भी यूट्यूबर ने आप लोग को बताया अभी तक नहीं होगा, सभी बड़े यूट्यूबर यूज करते हैं जो भाई पॉइंट, वो मेरे को पता लग चुका है। वो पॉइंट क्या है आप लोग को किसी भी यूट्यूबर ने नहीं पता, किसी भी वीडियो में आप लोगों ने अभी तक शायद ही नहीं देखा, वो होता है भाई ड्रेसअप। ड्रेसअप मूवमेंट, ड्रेसअप मूवमेंट के ऊपर हमारा हेडशॉट रेट डिपेंड करता है, हेडशॉट मारने का तरीका डिपेंड करता है पूरा भाई ड्रेसअप के ऊपर। मैं रेड क्रिमिनल जैसे ड्रेसअप की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, जैसे कि देखो इधर देखो नॉर्मल जो ड्रेसअप होता है इसकी बात मैं कर रहा हूँ, जैसे कि देखो रेड क्रिमिनल वगैरह इधर जितने भी है ना, ये एक किसी का भी मूवमेंट नहीं होता, क्योंकि अगर मैंने रेड क्रिमिनल पढ़ना है उसके बाद भी देखो इधर देखो ये सभी के सभी इक्यूब है, देख रहा हूँ मैं रेड क्रिमिनल लूंगा लेकिन ये सभी के सभी ड्रेसअप इक्यूब हुए, ये जो ड्रेसअप होता है इनके ऊपर होता है मूवमेंट। तो अपना खुद का एक भाई परमानेंट ड्रेसअप बनाओ, जैसे रेड क्रिमिनल भाई बैज नहीं का पता है लेकिन उसका कुछ भी मूवमेंट वगैरह नहीं है, ठीक है ना, इधर जितने भी बंडल है सभी के सभी बेकार होते हैं, इसके कुछ भी मूवमेंट वगैरह नहीं होती, ये बस स्टाइल के लिए रखे हुए हैं, ठीक है ना। तो जितने बंदे देखो राइस्टर का एक बंडल है, रेड क्रिमिनल तो भाई बैज नहीं का है, हर एक बड़े बड़े यूट्यूबर का क्या होता है कि परमानेंट एक ड्रेसअप होता है, खुद का एक परमानेंट ड्रेसअप बनाओ ताकि यार बढ़िया वाला हेडशॉट मार पाओ। हर एक ड्रेसअप का अलग अलग मूवमेंट होता है, देखो यार तुम्हारे कौन से जीबी के, 3 GB के मोबाइल में, 6 GB के मोबाइल में, 4 GB के मोबाइल में, कौन से मोबाइल में कौन सा वाला हेडशॉट लग रहा है वो देखो, देख के भाई ड्रेसअप परमानेंट करो खुद का एक, ठीक है ना। तो कौन सा वाला ड्रेसअप परमानेंट किया है वो स्क्रीनशॉट लेके जरूर भेजना, आपका हेडशॉट लगा कि ना वो भी बताना, और वीडियो करना एक लाइक, चैनल को करना सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय बाय।